प्रश्न 23, दो संख्याओं के हरात्मक माध्य तथा गुणोत्तर माध्य का अनुपात 12:13 है, तो संख्याओं का अनुपात होगा 1:2, 2:3, 3:5, 4:9। इस प्रश्न को हम प्रश्नावली 8.8 में कर चुके हैं, तो इसका उत्तर देखने के लिए आप प्रश्नावली 8.8 का प्रश्न 2 देखें। वहां हम इस प्रश्न को पहले ही कर चुके हैं, यहां विकल्प डी सही विकल्प है। प्रश्न 24, यदि दो संख्याओं ए तथा बी के बीच समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य एवं हरात्मक माध्य क्रमशः ए जी एवं एच हो, तो ए जी एच होंगे हरात्मक श्रेणी में, गुणोत्तर श्रेणी में, समांतर श्रेणी में, या इनमें से कोई नहीं। यहां प्रश्न में हमें क्या दिया गया है, ए और बी के बीच जो समांतर माध्य है वो तो है ए, अर्थात ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा ए प्लस बी अपॉन 2 के। गुणोत्तर माध्य है जी, तो जी बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए बी के। और हरात्मक माध्य है एच, तो एच बराबर क्या हो गया, 2ab बटे ए प्लस बी, ये हम प्राप्त करते हैं। अब देखो a इंटू एच ये क्या पाते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, a प्लस बी अपॉन 2 इंटू 2ab बटे a प्लस बी, ये आया 2 से 2 कैंसिल हो गया, a प्लस बी से a प्लस बी कैंसिल हो गया, ये किसके बराबर आ गया, ए बी के, जिसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट ए बी का होल स्क्वायर, और अंडर रूट ए बी है जी, तो ये आ गया जी का स्क्वायर। कंडीशन कौन सी हो गई, कंडीशन हो गई कि बी स्क्वायर बराबर ए सी, यदि ए बी सी हम जानते हैं गुणोत्तर श्रेणी में है तो बी स्क्वायर बराबर ए सी होता है। अब यहां ए इंटू एच हम क्या पा रहे हैं, जी स्क्वायर के बराबर है, अर्थात ए जी एच ये जो तीन होंगे ये गुणोत्तर श्रेणी में होंगे। तब ये कंडीशन फुलफिल होगी कि ए एच बराबर जी स्क्वायर है, अर्थात यहां विकल्प बी सही विकल्प है। प्रश्न है, यदि संख्याएं a तथा b के बीच हरात्मक माध्य h हो, तो h बटा a प्लस h बटा b का मान है। चार विकल्प यहां हमें इस प्रकार से मिले हैं। प्रश्न में क्या दे रखा है, a और b के बीच हरात्मक माध्य h है, तो h बराबर क्या हो गया, 2ab बटे a प्लस b, यह हरात्मक माध्य होता है, तो 2ab बटे a प्लस b h का मान हो गया, हमें इसका मान निकालना है, तो इसलिए h अपॉन a प्लस h अपॉन b इसका मान निकालना है, तो h का मान रख दें, ये मान कितना हो गया, 2ab बटे a प्लस b अपॉन a, ऐसा आ गया, प्लस 2ab बटे a प्लस b बटे b, ये हमको प्राप्त हुआ। अब यहां देखो ये a इस a को कैंसिल कर रहा है, इस प्रकार से ये b इस b को कैंसिल कर रहा है, तो हमको क्या प्राप्त हुआ, हमें प्राप्त हुआ 2b बटा a प्लस b प्लस 2a बटा a प्लस b, ऐसा मिलता है, a प्लस b एलसीएम हो गया, यहां क्या आ गया 2b प्लस 2a, दो हमने कॉमन ले लिया, तो यहां क्या आ गया b प्लस a, यहां आ गया a प्लस b, a प्लस b और b प्लस a कैंसिल हो गए, मान आ गया 2 के बराबर, अर्थात जो दिया गया व्यंजक है उसका मान है 2, विकल्प a यहां सही विकल्प है। प्रश्न है, यदि a b c
हरात्मक श्रेणी में है तो सत्य कथन है। चार कथन हमें यहां विकल्पों के रूप में मिले हैं। ए बी सी हमें दिया गया है हरात्मक श्रेणी में। अब इससे हम कह सकते हैं कि यदि ए और सी का मैं हरात्मक माध्य निकालूं तो वो क्या होगा, एच जो है ए तथा सी का हरात्मक माध्य एच ये किसके बराबर होगा, बी के बराबर होगा, क्योंकि बी बीच का पद है इसलिए एच बराबर हो गया बी। ए और सी का मैं गुणोत्तर माध्य निकालूं तो क्या होगा, ए तथा सी का गुणोत्तर माध्य हम इसको जी से दिखाते हैं, ये अंडर रूट ए सी के बराबर होगा। अब हम जानते हैं कि ए बी अब हम जानते हैं कि जी सदैव बड़ा होता है एच के, तो चूंकि गुणोत्तर माध्य जी ग्रेटर देन होता है एच के, ये प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके हैं, तो जी बड़ा होता है एच के अर्थात अंडर रूट ए सी बड़ा होना चाहिए बी के। तो विकल्प कौन सा, ये सत्य कथन है तो विकल्प कौन सा सही होगा, विकल्प डी यहां सही है, अंडर रूट ए सी ग्रेटर देन होगा बी के। प्रश्न 27, यदि किसी श्रेणी का एनवां पद एन स्क्वायर बटे 3 की घात एन हो तो अनुक्रम के प्रथम 3 पद लिखिए। हमें एनवां पद टी एन बराबर यहां मिला है एन स्क्वायर बटे 3 की घात एन, एन के स्थान पर 1 रखेंगे पहला पद आ जाएगा, 2 रखेंगे दूसरा पद आ जाएगा, 3 रखेंगे तीसरा पद आ जाएगा। तो टी वन क्या हो गया, पहला पद 1 का स्क्वायर बटे 3 की घात 1, 1/3 के बराबर, एन बराबर 2 रखा टी टू दूसरा पद आ गया 2 का स्क्वायर बटे 3 की घात 2, ये हो गया 4/9। तीसरा पद के लिए टी थ्री एन बराबर 3 रखा 3 का स्क्वायर बटे 3 की घात 3, मान कितना आ गया, 3 का स्क्वायर होता है 9, 3 की घात 3 हो गया 27, 9 × 3 = 27 मान आ गया 1/3। तो अनुक्रम के प्रथम 3 पद हो गए, अनुक्रम के प्रथम 3 पद होंगे 1/3 पहला पद हो गया, अगला हो गया 4/9 और तीसरा पद हो गया 1/3। प्रश्न है श्रेणी 72, 70, 68, 66 इत्यादि का कौन सा पद 40 है। दी गई श्रेणी किस प्रकार से है, पहला पद है 72, अगला है 70, फिर है 68, फिर है 66। 70 में से हम 72 घटाएंगे आएगा -2, 68 में से 70 घटाया -2, 66 में से 68 घटाया -2, अर्थात जो श्रेणी मिली है वो एक समांतर श्रेणी है। तो दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी, अब यहां प्रथम पद ए बराबर कितना मिला है 72 और सार्व अंतर डी 70 − 72 − 2 के बराबर है। हमें ज्ञात करना है कि कौन सा पद 40 है। हम मान लेते हैं कि एनवा पद 40 है तो हमें एन का मान निकालना है और टी एन हमें 40 मिला है, तो यहां एन का तो हमें मान निकालना है। मान लेते हैं कि एनवा पद 40 है और टी एन बराबर हमें मिला है 40। हमारा सूत्र क्या है, सूत्र होता है टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जहां ए प्रथम पद होता है डी सार्व अंतर होता है, मान रख दिया। तो दिस इंप्लाइज 40 बराबर 72 प्लस एन माइनस 1 इंटू माइनस का 2, सरल किया इसको पक्षांतरण किया तो 40 माइनस 72
माइनस दो एन माइनस एक के बराबर हो गया। 72 में से हमने 40 घटाए तो आएगा 32, माइनस का 32 हो गया, माइनस दो एन माइनस एक के बराबर है। दोनों पक्षों में माइनस है, कैंसिल कर सकते हैं, दो ये 16 बार कट गया, अर्थात एन माइनस एक बराबर 16, जो हमें देता है एन बराबर 17। तो दी गई जो श्रेणी है उसका 17वां पद 40 है, अतः श्रेणी का 17वां पद 40 है।